नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 3 महीने बीत चुके हैं, तारीख पर तारीख जा रही है, बार बार भारत चीन की मीटिंग हो रही है, लेकिन चीन है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। दौलतबाग ओल्डी डेपसोंग गोगरा पेंगोंग लेक के पास चीन अपना अड्डा बनाकर बैठा है। बार बार बैठक में चीन की तरफ से यही कहा जाता है कि इस बार चीनी सैनिक वापस लौट जाएंगे, लेकिन वो लौटने की बजाय अपना बेस और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि चीन कहीं ना कहीं सर्दियों का इंतजार कर रहा है, यानी सर्दियों में चीन भारत में घुसपैठ की तैयारी में है, या फिर चीन को यह भी डर सता रहा है कि कहीं भारतीय सर्दियों का फायदा उठाकर नो मैन्स लैंड पर कब्जा ना कर ले। पर अगर चीन की मंशा कारगिल में पाकिस्तान वाली है तो उस समय पाकिस्तान का जो हश्र हुआ था, चीन को उसे भी एक बार जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को वह सबक ऐसा याद है कि पूरी मदरसा कौम के साथ पुश्ते भी अब ऐसी माकत नहीं कर पाएगी। लेकिन चीन ने जो सपना पाला है अब वह भी ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी है, भारत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। पीएम मोदी ने जो व्यूहरचना चीन के लिए की है उससे बाहर निकलना चीन के लिए बहुत ही मुश्किल है। चीन इस घेराबंदी में फंसकर या तो कसम खाएगा या फिर बुरी तरह से बौखलाएगा। भारत चीन के बीच खूनी झड़प के बाद अब तक चीन 18 बार बातचीत का ड्रामा कर चुका है। यह जिनपिंग की प्रोडक्शन कंपनी की वो नई स्टोरी है जिसे वह बार बार बातचीत की मेज पर सुनाता रहा है। भारत इस स्टोरी के हर करेक्टर को पहचान रहा है। चीन ने अभी तक अपने धूर्त रवैये का प्रदर्शन किया है, वह हर बार सैनिकों को पीछे लौटाने के नए डायलॉग लिखता है, मगर उसके सैनिक डेपसोंग और पेंगोंग सो इलाके में अभी भी घात लगाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले 24 जुलाई को हुई बैठक में तय हुआ था कि 26 जुलाई से उसके सैनिक पीछे लौटना शुरू कर देंगे, मगर आज तक चीनी सैनिक वहां से नहीं हिले हैं। वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करते जा रहे हैं। पर इसी बीच चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। वह भारत को बातचीत में उलझाकर लद्दाख में विंटर साजिश का प्लान कर रहा है। वह फिंगर 4, फिंगर 5 और डेपसोंग पेंगोंग में बेस कैंप लगातार बढ़ाता जा रहा है। चीन की इन हरकतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सर्दियों में घुसपैठ की बड़ी साजिश कर रहा है। इधर मलक्का स्टेट में भारत द्वारा घेरने की आशंका से उसने दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। वह दूसरा रास्ता है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट। गवादर में चीन पाकिस्तान की मदद से अपना नेवल बेस तैयार कर रहा है। वहीं डेपसोंग के पास उसके सैनिक पहले से तैनात है, जिन्हें वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा रहा है। यानी चीन एक के बाद एक साजिश कर रहा है और बातचीत की मेज पर आने का दिखावा करके दुनिया के सामने नौटंकी कर रहा है। इसी बातचीत की नौटंकी के दौरान चीन की एक और धूर्त का खुलासा हुआ है। चीन ने नेपाल के पास तिब्बत सीमा से सटे लिपुलेख के पास अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। लिपुलेख दर्रा भारत नेपाल और चीन के बीच उत्तराखंड में कालापानी घाटी में स्थित है। चीन ने यहां पर 150 लाइट कंबाइंड आर्मर ब्रिगेड तैनात की है। इस ब्रिगेड को 2 हफ्ते पहले तिब्बत से चीन के लिपुलेख के ट्रांजेक्शन की ओर तैनात किया गया है, जहां वह भारत पर दबाव बनाने की एक और कोशिश में है। चीन LAC के पास अपनी पकड़ लगातार मजबूत करता जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान उसकी सभी चालबाजियों को पहले ही भाग चुका है। इसलिए हिंदुस्तान चीन को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए इस समय पूरी तैयारी कर चुका है। चीन हिंदुस्तान में घुसपैठ का जो ख्वाब देख रहा है उसके इस सपने को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से रेडी है। भारत ने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। भारत नेपाल और चीन के जिस ट्राइजेक्शन लिपुलेख में चीन ने अपनी कार फौज बैठा रखी है, वहां भारतीय जवान पहले से ही बड़ी संख्या में मुस्तैद है। यानी हिंदुस्तान इस बार चीन से 2 कदम आगे चल रहा है। पूरी LAC के चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना जम चुकी है। चीन अपनी घबराहट छिपाने और PLA का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों को भारतीय सेना के मुकाबले में तैनात कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने चीन की गर्दन दबोचने के लिए LOC तक सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया या रात दिन बिछाने में जुटा है, जहां चीन केवल छटपटाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। चीन अभी तक दौलतबाग ओल्डी तक गई सड़क से तिल मिलाया हुआ था, मगर अब भारत ने उसकी घेराबंदी का चक्रव्यूह इतना सख्त कर दिया है जिसमें चीन लगातार कसमसा रहा है। भारत ने LAC तक पहुंचने के लिए 17,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा मार्ग तैयार कर लिया है जो हर परिस्थिति में हर मौसम में खुला रहेगा। भारत ने यह सड़क बनाकर चीन की गिरबान को पकड़ लिया है, क्योंकि यह इलाका पेड़ वाले कारकोरम पहाड़ों के बेहद हिस्सों में से एक है, जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और गर्मियों में लगभग 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस नई सड़क से डेपसांग दौलतबाग ओल्डी तक भारतीय सेना की सीधी पहुंच हो जाएगी। यही वजह है कि चीन इस रोड के बन जाने के बाद खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत की अंतिम चौकी दौलतबाग ओल्डी है।
जहां पर चीन ने करीब 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। यहां से चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन की दूरी महज 7 किलोमीटर दूर है। चीन को डर सता रहा है कि इस रोड के बन जाने से भारत अपनी सेना को बहुत कम समय में अक्साई चीन में पहुंचाकर उसे चीन से मुक्त करा सकता है। चीन द्वारा यहां पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने की वजह उसकी घबराहट ही मानी जा रही है। दरअसल यही से चीन दौलतबा गोल्डी डेपसोंग और अक्साई चीन पर नजर रखे हुए है। लेकिन भारत जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा रहा है उससे चीन समझ गया है कि भारत का टारगेट पीओके के साथ अक्साई चीन भी है। भारत की पहुंच में काराकोरम अब पूरी तरह आ गया है, जहां तक पहुंचने में भारत को 20 मिनट भी नहीं लग पाएंगे। डेपसांग प्लेन में कुल 5 पेट्रोलिंग पॉइंट है, जिनमें 10, 11, 11, 12 और 13 शामिल है। यहां चीनी सेना एलएसी के 18 किलोमीटर अंदर आकर भारतीय सेना को गश्त करने से लगातार रोक रही है। चीन ने एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पीपी 11, पीपी 13 तक भारतीय सेना की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। दरअसल चीनी सेना रणनीतिक तौर पर दौलतबाग ओल्डी सड़क पर हावी होना चाहती है ताकि अक्साई चीन को भारतीय हमले से बचाया जा सके, मगर यह भारतीय जवान उसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दौलतबाग ओल्डी में हालात बेहद ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। यहां पर किसी भी वक्त जंगी रणभेरी बच सकती है, यानी गलवान फिंगर एरिया पेंगोंग हॉट स्प्रिंग के बाद दौलतबाग ओल्डी पांचवा विवादित इलाका है। इन इलाकों में चीन की एक गलत हरकत जंग का आगाज कर सकती है। भारत ने जितनी तेजी से अपनी सेनाओं और रक्षा साजो सामान को एलएसी पर डिप्लॉय किया है उसमें चीन बुरी तरह पिछड़ चुका है। चीन के मुकाबले भारत कई तेजी से अपने सैनिकों और आर्टिलरी को एलएसी पर पहुंचा रहा है, जबकि चीन बातचीत के ड्रामे को लंबा खींचकर यह काम कर रहा है। मजे की बात यह है कि चीन अब जाकर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर लगा है, लेकिन भारत यह काम बहुत पहले से ही कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, भारत ने पूर्वी लद्दाख में मोबाइल टावर का एक बड़ा जाल बिछाना भी शुरू कर दिया है, जिस पर 24 घंटे लगातार काम हो रहा है। यानी 2020 का भारत इस बार चीन पर 21 पड़ रहा है। अगर चीन वापस नहीं लौटा तो यकीनन 56 इंच का सीना उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे भी असुर और दुष्टों का संहार करने के लिए भारत की धरती ही योद्धाओं की जननी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।